नमस्कार, आप देख इंडिया टाइम न्यूज। इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज हमीरपुर। अलग बुंदेलखंड राज के लिए दिखा युवाओं में जोश। बुंदेलखंड पृथक राज के लिए युवाओं ने भरी हुकार। प्रारंभ हुई साइकिल यात्रा। बुंदेलखंड अलग राज के लिए युवाओं में दिखने लगा जोश। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से होकर मध्य प्रदेश तक पहुंचेगी। 600 किलोमीटर तक की यात्रा का टारगेट है। हमीरपुर से संवाददाता सुनील राजपूत की रिपोर्ट। यात्रा है ये, इसमें भी हम लोग सिर्फ बुंदेलखंड के राज्य की ही मांग करेंगे और जन जागरूकता करेंगे। जय जय बुंदेलखंड, जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड, जय बुंदेलखंड। ठीक है, आप साइकिल में आ जाइए। बंद कर दिया। दोहन कर रही हैं और बुंदेलखंड जो है वीरानों की तरह जी रहा है, इसलिए ये जन जागरूकता यात्रा है कि बुंदेलखंड जागे और अपने राज्य की मांग करें। आपने पहले भी 1-2 महीने पहले यात्रा की थी, उस विषय में कुछ बताएं। इससे पहले हमने 2 अक्टूबर को एक यात्रा शुरू करी थी, वो 500 किलोमीटर की यात्रा थी और उसमें हमने जाकर के चित्रकूट में श्री कामतानाथ भगवान के दरबार में केंद्र सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ किया था, अनुष्ठान। ये यात्रा कहाँ तक चल रही है? ये यात्रा 8 जिलों की। इस बार हम लोग झलोकर गाँव से दोबारा निकल रहे हैं, उसी बुंदेलखंड राज्य निर्माण की आवाज़ को लेकर गांव-गांव जाएंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि जो सरकार ने अभी पूर्व में घोषणा की है बुंदेलखंड विकास बोर्ड की, उससे हम संतुष्ट नहीं। हम चाहते हैं कि बुंदेलखंड राज्य का निर्माण हो, जिससे बुंदेलखंड के लोगों को उसका हक मिल सके। कहाँ कहाँ जाएगी ये यात्रा? ये यात्रा पहले तो यहाँ झलोकर से बेरी से होते हुए जलालपुर में आज पहला विश्राम है हमारा, आगे सरीला से होते हुए राठ में दूसरा विश्राम रहेगा और आगे बढ़ते हुए राम राजा की भूमि में जाएगी, राम राजा सरकार के रक्षा धाम, और वहाँ से माँ पीताम्बरा के दर्शन करते हुए हम वापस इसी कालपी रोड से लौटेंगे। कदौरा से होते हुए कुरारा में इसका समापन है। कब समापन है? 27 जनवरी को इसका समापन है।